देखिए CTR को बढ़ाने के लिए थंबनेल को चेंज कर देना चाहिए, ये वाली बात आपने बहुत सारे यूट्यूबर के मुंह से सुनी होगी। लेकिन आपको बता दूं कि थंबनेल चेंज करने से CTR पे फर्क तो पड़ता है, बट ये कहना बिल्कुल सही बात नहीं है कि सिर्फ थंबनेल बदल दो CTR बढ़ जाएगा। CTR बढ़ाने के लिए आपको और भी कई ट्रिक लगानी पड़ती है, जिसकी बात आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि अगर एक बार CTR बढ़ाना आप सीख गए तो आपकी वीडियो पर व्यूज भी आएंगे और आपका चैनल भी ग्रो होगा। ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में बनाऊंगा तो पूरा देखिएगा और अपने चैनल पे फॉलो कीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को लाइक कर देना, अभी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यहां पे मिलती रहती है। अब सबसे पहले बात करेंगे CTR होता क्या है, कैसे ये काम करता है, फिर हम बात करेंगे इसको कैसे हम इंक्रीज कर पाएंगे। तो देखिए CTR का एक सिंपल सा मतलब है क्लिक थ्रू रेट, कितने लोगों ने आपकी वीडियो को देखा, उनको पता चला कि ये वीडियो डाली है, बट प्ले करके वाच कितनों ने किया, समझ रहे हो, वीडियो किन्नों ने देखा, यानी वीडियो का थंबनेल ही देखा होगा या टाइटल देख लिया होगा। अब जो देखा है ना वो तो है इंप्रेशन, भाई 100 लोगों के पास इंप्रेशन भेजा YouTube ने सपोज, क्योंकि YouTube क्या करता है, आपका चैनल अगर पुराना है तो आपके पास ऑडियंस होगी, आपका नया है तो आपके पास ऑडियंस नहीं होगी, आपने कुछ SEO करा होगा वीडियो में, उन सबको देख के और अल्गोरिदम इंप्रेशन भेजता है, यानी लोगों के पास आपका वीडियो भेजता है, लोग देख लेते हैं कि हाँ यार इस आदमी ने ये वीडियो इस टॉपिक पे बनाया हुआ है। तो ये देखने का मतलब तो है कि वीडियो उनके सामने आए एक बार तो इंप्रेशन, लेकिन उन्होंने क्लिक किया उस पर और प्ले करके वॉच कर लिया वीडियो को। तो जैसे ही प्ले किया वो क्लिक होके मतलब एक तरीके से प्ले हो गया और वॉच भी हो गया, तो इसको बोलेंगे हम CTR। और थोड़ा इजी कर देता हूं, YouTube ने 100 लोगों को आपका वीडियो दिखाया, यानी 100 लोगों के पास आपके वीडियो को भेजा, 10 लोगों ने क्लिक करके प्ले करके वॉच कर लिया वीडियो को, तो आपका 10% लोगों ने ही वीडियो प्ले किया, मतलब आपका 10% CTR हो गया। अब आज तक कैसा होता था कि जैसे मान लीजिए आपका एक चैनल है उस पर 1,00,000 सब्सक्राइबर है सपोज, और आपके मान लो 5,000 व्यूज एवरेज आते हैं हर वीडियो पे, एवरेज 5,000 के आसपास व्यूज आ जाते हैं, तो आप जब भी कोई वीडियो डालोगे उस पर अगर 5,000 व्यूज आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका CTR स्टार्टिंग में 12% 15% हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुदरती आपने 5-10 वीडियो डाला, उनमें से एक वीडियो आपका वायरल हो गया, वायरल का मतलब वो वीडियो आपका काफी ज्यादा चल गया, अब दो वजह से चल सकता है, तो YouTube उसे खुद रिकमेंड कर रहा है, लोगों को सजेशन में डाल रहा है, या लोग उस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं और आपकी वीडियो सर्च में रैंक कर रही है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे उस पर व्यूअरशिप बढ़ेगी CTR डाउन होता चला जाएगा। उस कंडीशन में कुछ लोग उसका थंबनेल चेंज कर देते हैं कि भाई थंबनेल अगर मैं चेंज कर दूंगा तो इसका जो CTR है वो इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ता है। लेकिन अब सीन समझिए कि CTR को बढ़ाने के लिए सिर्फ थंबनेल बदलना ही काफी नहीं है, CTR को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती है। जैसे मान लो आपने एक वीडियो बनाया, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत डिटेल में वीडियो बना रहा हूं ये, जैसे आपने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में जैसे लोगों के पास इंप्रेशन गया उस वीडियो का, तो लोगों के पास जब इंप्रेशन जाएगा तो उनको सिर्फ दो ही चीजें दिखाई देंगी आपके हिसाब से, एक वीडियो का थंबनेल, एक वीडियो का टाइटल, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जो दिखाई भी देती है और ऑडियंस को समझ में भी आती है, और ऑडियंस उस चीज को देख के ही डिसाइड करती है कि इस वीडियो को देखना है या नहीं देखना है, और वो है उस वीडियो का टॉपिक। सबसे पहले ऑडियंस में उस वीडियो का टॉपिक आता है कि जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाई है उस टॉपिक पे ऑडियंस देखना भी चाहती है, सुनना भी चाहती है आपके बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपके ओपिनियन जानना भी चाहती है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है SEO के लिए वो उस वीडियो का टॉपिक ही है। टॉपिक है, जैसे आज के टाइम में कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, लक्षद्वीप का टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, लक्षद्वीप पे आपने वीडियो बनाया तो लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में, राम मंदिर बन रहा है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले लोगों को दिखता है वीडियो का टॉपिक, उसके बाद कहीं टाइटल पे या थंबनेल पे नजर जाती है। तो टॉपिक जितना ज्यादा ऐसा होगा कि उसको लोग जानना चाहते हैं उतने ज्यादा आपके इंप्रेशन जा सकते हैं। इंप्रेशन कैसे बढ़ेंगे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि इंप्रेशन जितने ज्यादा बढ़ेंगे ना देखो उतना CTR भी बढ़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे। जैसे अभी मान लो आपने किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया, उस टॉपिक के बारे में लोग जानना चाहते हैं, बहुत जानना चाहते हैं उसके बारे में, हर किसी की वीडियो देख रहे हैं। जैसे ट्रेंडिंग जब टॉपिक होता है तो कोई चीज में ट्रेंड चलता है तो बहुत सारे यूट्यूबर एक ही टॉपिक पे अलग अलग यूट्यूबर वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन सबकी वीडियो चलती है क्योंकि उस पर अलग अलग ओपिनियन ऑडियंस को जाननी होती है, क्योंकि वो एक टॉपिक होता है। आपने अगर ऐसे टॉपिक पे कोई वीडियो बना दिया और अगर मान लो आपके 5,000 ही व्यूज आए इंस्टेंट एक घंटे में, तो भी आप देखेंगे कि आपका CTR हाई रहेगा। और अगर मान लो आपने कोई एवरग्रीन टॉपिक पर वीडियो बनाया, कोई भी टॉपिक एवरग्रीन है आपका, उस टॉपिक पर तुरंत लोग जानना नहीं चाहते लेकिन सर्च वगैरह लोग करते रहते हैं, तो आप देखेंगे अगर उस पर भी 5,000 व्यूज आया तो उसका CTR थोड़ा सा डाउन रहेगा ही रहेगा।
तो सबसे पहले CTR बढ़ाने के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो है उस वीडियो का टॉपिक आप क्या चुनते हैं, और इस पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अगर आप वीडियो पे काफी सारे कमेंट करेंगे तो एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा टॉपिक को चुनने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हुआ, उसके बाद जाके आपके थंबनेल पे नजर पड़ेगी, उसके बाद टाइटल पे पड़ेगी, उसके बाद अब लोगों को 100 लोगों को इंप्रेशन भेजा यूट्यूब ने, 10% लोगों ने उस पर क्लिक किया है। अब ये जो 10% लोगों ने क्लिक किया ना, इसमें से कितना परसेंट लोग आपकी वीडियो को कितना टाइम तक देख रहे हैं, आपका ड्यूरेशन एवरेज ड्यूरेशन कितना आ रहा है, कितना एंगेजमेंट दिखा रहे हैं लोग, लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कितना एंगेजमेंट आ रहा है, उसके हिसाब से एल्गोरिदम कैलकुलेट करता है कि इस वीडियो को और कितने इंप्रेशन मिलने चाहिए। अगर आपकी वीडियो में टाइटल, थंबनेल और वीडियो बहुत कमाल का है लेकिन टॉपिक आपका अच्छा नहीं है, तो आपका ना तो भैया CTR बढ़ने का, ना व्यूज बढ़ने के, ना कुछ बढ़ने के, और टॉपिक कमाल का है, एवरेज थंबनेल भी है थोड़ा, तो भी चल जाएगा और आपका CTR और इंप्रेशन दोनों बढ़ते चले जाएंगे। तो आप थंबनेल चेंज तो कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक वीडियो के 3-4 थंबनेल बना के रखिए, एक ना चले तो दूसरा करके आप एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो का टॉपिक जितना ज्यादा आप दिमाग लगा के चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको इंप्रेशन और CTR आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। और एक बार ये दोनों चीजें बढ़ गई तो वीडियो तो अगर आपने अच्छी बनाई होगी तो 100% चलेगी और वो वीडियो वायरल हो जाएगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये मेरा खुद का ओपिनियन और मेरा एक्सपीरियंस था। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।